अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिस्ट व्यू स्कीमा के बारे में। तो ये स्कीमा काफ़ी दिनों से जो है मेंबर्स इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स जो फीचर्ड स्निपेट्स में हैं वो इन्हें यूज़ कर रही हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर्स का स्कीमा है उसे किस तरह सेपरेट करना है, तो उस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं। या नीचे वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा इसका, फाइल का मैंने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया इसको स्कीमा को, तो हम इसे आगे यूज़ करेंगे। ये असल में ये दो स्कीमा इधर मिक्स हुए हुए हैं जिस वजह से काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको अलग सेपरेट कर दिया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो इसका आर्टिकल का यूआरएल, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये असल में ये कस्टम टाइप स्कीमा है, मतलब कोई प्लगइन्स वगैरह इसने मेरे ख्याल से अभी तक प्लगइन्स ने इसे ऐड नहीं किया, इसलिए आपको ये मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको वो इंसर्ट टू हेडर वाला प्लगइन भी यूज़ करना पड़ेगा सोगो वालों का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद यहाँ पे आपका मेन कीवर्ड आएगा जो उसका H1 टाइटल होगा। उसके बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट का नाम, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा आपने इधर इस लिंक को नेम का टैग देना है, तो ये जो नेम का टैग में जो कोड होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और इधर इस यूआरएल के आपका पेज का यूआरएल होगा हैश, फिर उसका ये आगे नेम, इस तरह करके सेकंड पे जाएंगे, सेकंड का नेम कॉपी करेंगे, इधर नेम लिखेंगे, इधर फिर उसका जो हमने यूआरएल को नेम दिया होगा। असल में ये चीज़ें वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जिन्होंने HTML CSS की हो, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो लोग करें। पता नहीं लोग क्यों उसे इग्नोर कर देते हैं, वो हर जगह यूज़ होती है और बहुत ही सख्त ज़रूरी है। इस तरह करके फिर थर्ड वन, और फिर इस तरह करके ये इसका नेम टैग, ये आपको मैन्युअली देना पड़ेगा नेम टैग, ये पहले ऑलरेडी एडिट नहीं है, तो ये आपने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे हैश आईडी में भी देना है, फिर आपने इसका नेम कॉपी करना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह करके। ये आप हर आर्टिकल पे तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उन पे यूज़ हो सकते हैं जिन में टेबल्स वगैरह यूज़ हुए हैं। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी कि इस टेबल को किस तरह यूज़ करना है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इस तरह करके आपने इसे यूज़ करना है। इसमें अगर आपकी प्रोडक्ट्स कम है तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट्स हैं 8, तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे, तो आपको ये नंबरिंग चेंज करनी होगी। ये देखें ये 8 हो गया, और इसको आपने जो आपके ये मेन हेडिंग्स के हैं इनके हिसाब से ही करना होगा इन्हें। इसे आप चेक करेंगे इसके अंदर, तो ये देखें बिल्कुल ज़ीरो एरर्स हैं। लास्ट टाइम वो एक मेंबर ने किया था तो उसके एरर आ रहे थे, तो ये मैंने आपको सही तरीका दिखा दिया इसको करने का। तो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने नीचे बता देनी है। नंबरिंग आपने याद रखनी है, नंबरिंग गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब इस पर गौर करना है। और वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है अलीम इकबाल। आप YouTube के ऊपर लिखेंगे अलीम इकबाल तो ये आ जाएगा, और मेरे और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स हैं स्कीमा के ऊपर। मैंने इसको टोटली कवर किया है और मैं इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स वगैरह भी हैं लिंक बिल्डिंग के ऊपर। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।